टू ऑल ऑफ यू, माय निशांत राम फिजिक्स टीचर। बेटा अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे लाइट रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, वो मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको सब समझ आ गए होंगे। और प्लस जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े थे, जो हम रे डायग्राम ड्रॉ करते थे, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम और आपका कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम, जो हमने रूल्स पढ़े थे, वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर करके सब निपटा दिए होंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं किए तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप उसके प्रैक्टिस कीजिए, पेंसिल लीजिए, रबर लीजिए, स्केल लीजिए। जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे उन टॉपिक्स की, उन रे डायग्राम्स की, उतना ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे से कर पाए। ठीक है, वो जब भी हो पाया है जब आप उन रे डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहोगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं साइन कन्वेंशनल ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, साइन कन्वेंशनल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बात है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि साइन हमें कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, क्या हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माना है, यू मानना है, वी माना है, तब तक आप लोग न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। और हर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान समझना है और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट आपका सीधा बोर्ड पे होना चाहिए, अदरवाइज पाप चढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर दे देता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले समझेंगे फिर आराम से आसानी से उतार लेना फिर। ठीक है, पोस्ट करके मेरे पास एक बढ़िया सा कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्या है आपके पास कॉनकेव मिरर, या फिर सेंटर होता था इसको हम क्या कहते थे, पोल कहते थे। इससे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, ये आपका पोल, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका क्या होता था, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये आपका कितना होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से बहुत सारी चीज हमें यहां से डिफाइन हो जाएंगी कि हम लोग क्या पॉजिटिव ले क्या नेगेटिव ले, ध्यान से समझते रहे। याद है हम लोगों ने जो डायग्राम्स बनाए थे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, और ऑब्जेक्ट मैंने कहां रख दिया, बियॉन्ड सी रखा, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं वो चीज समझने वाली बात है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मैंने इसको मान लिया ऑब्जेक्ट को ए और बी, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। ठीक है, ये आपका साइज, क्लियर। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल से, पोल से तो हम देखते हैं यहां पर कि पोल से डिस्टेंस कितना है, यहां पर जहां आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है कितने डिस्टेंस पर, कहां से, पोल से, मतलब यहां से आपका यहां तक, यह आपका पोल है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसे क्या मानते हैं, यू मानते हैं। क्या मानते हैं, यू। यू इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड किसके बीच का, पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, या फिर हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यहां पर ये यू क्या है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रखा हुआ है। क्लियर हो गया, यू क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, यू आपका है क्या, यू इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बच्चे, यू पता लग गया हमें कि यू क्या है। अब बात करते हैं, जब आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था बियॉन्ड सी रखा होता था, तो आपकी इमेज कहां फॉर्म होती थी, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में होती थी, रूल याद है आपको। ठीक है, तो आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहां फॉर्म होती थी, वो आपकी फॉर्म होती थी बिटवीन सी एंड एफ पे होती थी। इसको मैंने मान लिया ए डैश, इसको मान लिया मैंने कितना, बी डैश। बहुत ही आराम से समझे क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, बिल्कुल ध्यान से समझ। यू क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, जहां आपकी इमेज बनती है ना बच्चे, जहां आपकी इमेज बनती है, इमेज से पोल तक के डिस्टेंस को हम लेते हैं वी, क्या लेते हैं हम लोग, वी।
इमेज से पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं वी। वी क्या है आपका, वी इज द डिस्टेंस बिटवीन, मैं यहां लिख देता हूं, वी क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया, दोबारा देखो, U क्या है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पोल, V क्या है डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द पोल। क्लियर हो गया ये, और U और V समझ आ गया, ठीक है। ये तो आपको पता ही था कि यहां से यहां तक हम क्या लेते हैं, यहां से यहां क्या लेते हैं हम लोग फोकल लेंथ, क्या लेते हैं हम लोग फोकल लेंथ लेते हैं ना, ठीक है। एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर लिख लेते हैं हम लोग। एफ क्या है आपके पास, एफ इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी का डिस्टेंस क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, ठीक है। हम लिख लेते हैं इसे भी कि यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहां से यहां तक का क्या होता था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है आपके पास, आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर, ये छोटे छोटे पॉइंट थे अभी के लिए, अब हम साइन कन्वेंशन की बात। U V क्या है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द इमेज फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। U क्या है आपके पास, U इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, यहां तक उतारो फटाफट, जल्दी से उतार लो और इसे उतारो, पोज करके उतारो फटाफट, हो गया, ठीक है, जल्दी उतारो सर, पोज करके उतार लेना। अब जो समझाने जा रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से समझना, क्लियर, जो समझाने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझ रहा, यहीं से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी हमें, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में क्या पढ़ा होगा, ग्राफ पढ़े होंगे, ये आपका जीरो पॉइंट होता था, ओरिजिन पॉइंट होता था, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास कौन सी होती थी वाई एक्सिस, क्लियर। जीरो आपका ओरिजिन होता था, इससे इधर सारे क्या होते थे पॉजिटिव होते थे ना, प्लस वन प्लस टू, और इससे इधर कितना होता आपके पास नेगेटिव, क्लियर। और जब ओरिजिन से ऊपर करते थे पॉजिटिव होते थे, नीचे क्या होते थे नेगेटिव, मैथमेटिक्स से आप भी सबने पढ़ा होगा भाई, ओरिजिन होता था आपका, या आपका एक्स एक्सिस या आपके पास वाई एक्सिस, ओरिजिन से इधर की साइड सारे पॉजिटिव होते थे, ओरिजिन से इस साइड आपके क्या होते थे नेगेटिव होते थे, ओरिजिन से अगर वाई एक्सिस की बात करते तो ऊपर की साइड पॉजिटिव और नीचे क्या लेते हैं आप लोग नेगेटिव लेते हैं, ये सबको पता है। उसी तरीके से हम लोग इसे डिफाइन करेंगे, ये मैं इसलिए बताया आपको, हालांकि इसका यूज नहीं है, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों ने मैथ से पढ़ रखा, क्लियर। अगर मैं यहां बताऊंगा बिना समझे आप लोगों को बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ये चीज हमेशा याद रखें। ओरिजिन पॉइंट से इधर लोगे तो पॉजिटिव, ऊपर लोगे तो पॉजिटिव, या आपके पास नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, ठीक है। इसी को लेके मैं यहां आ रहा हूं, याद रखो ये पोल जो है ना, पोल जो है इसको आप लेके चलो ओरिजिन, ठीक है, लेके चलो ओरिजिन, लेट अस सपोज ओरिजिन लेके चलो, ये ओरिजिन से उस साइड क्या होंगे सारे पॉजिटिव, ओरिजिन से इस साइड क्या होंगे नेगेटिव, क्लियर। ओरिजिन से उस साइड क्या होंगे पॉजिटिव, ओरिजिन से इस साइड क्या होंगे नेगेटिव, ठीक है। जो भी आपके पास, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ओरिजिन से इस साइड जितने भी होंगे वैल्यू, ओरिजिन से इस साइड मैं एरो बना देता हूं, ये आपके पास ओरिजिन मान के चलना, ये सारी वैल्यू कौन सी होंगी आपके पास नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव का साइन, ठीक है, यहां कौन सी होगी आपके पास नेगेटिव, ओरिजिन से इस साइड क्या होंगी, सॉरी ओरिजिन से उस साइड क्या होगी पॉजिटिव, ओरिजिन से उस साइड क्या होगी पॉजिटिव, ओरिजिन से इस साइड क्या होंगी नेगेटिव वैल्यू, क्या होंगे ओरिजिन से इस साइड नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ करता हूं यहां पर, तो ओरिजिन से इस साइड क्या होंगी सारी वैल्यू नेगेटिव, और इस साइड की बात करता हूं तो कौन सी वैल्यू होंगी आपके पास पॉजिटिव, क्लियर होगा बच्चे, ठीक है। ओरिजिन से उस साइड क्या होगा, पोल से उस साइड सारी पॉजिटिव, पोल से इस साइड सारी वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव वैल्यू होगी, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे, अब
ये तो हो गया हमारे पास ओरिजिन से इस साइड पॉजिटिव, ओरिजिन से इस साइड सारे नेगेटिव। अभी ऊपर वाला बच्चा, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे क्या नेगेटिव। ठीक है, यहां देखो जब आप ओरिजिन, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले सारे सिस्टम, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला सारा सिस्टम क्या होगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले सारे क्या होंगे वैल्यू नेगेटिव। यहां ऊपर का एरो बना देता हूं, ऊपर जितनी भी सारी वैल्यू होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की सारी वैल्यू डिफाइन करूंगा, कैसे कैसे डिफाइन करेंगे पहले साइन कन्वेंशन समझ लो। तो यहां पर आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली सारी वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव, क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली जो सारी वैल्यू होंगी, नीचे वाली सारी वैल्यू वो क्या होंगी नेगेटिव, क्लियर। दोबारा देखो पोल है आपके पास, पोल से इस साइड सारी वैल्यू कौन सी होंगी आपके पास पॉजिटिव, पोल से इस साइड सारी वैल्यू होंगे क्या नेगेटिव, क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली वैल्यू क्या होंगी सारी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव। ठीक है, अब यहां देखो ये समझ आ गए। ठीक है, अब यहां देखो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम लोग, एग्जांपल के तौर पर ऐसा नहीं समझेंगे कि कैसे कैसे हमें वैल्यूज रखनी है। मैं इसको भी मान लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं, ये आपके पास है ना ऑब्जेक्ट, इसका साइज ले लेता हूं h, इसको मान रहा हूं मैं h, ठीक है स्मॉल h, और ये जो आपका इमेज आई है, इमेज जो आई है इसके साइज को लिख लेता हूं मैं h डैश। ठीक है, h इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश इज द साइज ऑफ इमेज, मैं लिख देता हूं यहां पर फिर भी। h क्या है आपके पास, h क्या है साइज, और क्या और लिख सकते हैं हम लोग हाइट, साइज और हाइट ऑफ इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और एच डैश क्या आपके पास साइज और हाइट ऑफ इमेज फॉर्म ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। एच क्या है आपके पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश क्या लिया हमने साइज ऑफ इमेज, जैसे आप लोग साइज लेते थे 2 सेंटीमीटर का लेके चलते थे ना, जो आपने इमेज फॉर्म की थी 2 सेंटीमीटर का लेते थे, 1 सेंटीमीटर का लिया हुआ, तो वही आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहता है, या फिर हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये आपके पास कितना है एच डैश, इसे हम कहते हैं क्या साइज ऑफ और हाइट ऑफ इमेज फॉर्म ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर हो गया। इसे उतारो फटाफट जल्दी पॉज करके, साइन कन्वेंशन देखते हैं फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन। आप देखो समझो इसे, अब प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। यहां देखो मैंने आपको क्या बताया, पोल से उस साइड सारे पॉजिटिव, पोल से इस साइड सारे नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले सारे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले सारे नेगेटिव, क्लियर नेगेटिव। देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल से उस साइड रखा हुआ है या पोल से इस साइड रखा हुआ है, इस साइड रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पोल से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या माना यू माना, क्लियर। यू क्या माना हमने, यू इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यही माना। अब ये देखना है हमें ये पोल से कॉनकेव मिरर से उधर रखा है पोल से या फिर पोल से इधर रखा है ऑब्जेक्ट, पोल से इधर रखा है तो यू जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ सोच के, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा, क्यों होगा आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल से इस साइड, तो मतलब यू अगर हम बात करते हैं वो क्या होगा आपके पास नेगेटिव। अब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इमेज बताओ, इमेज क्या है बी, ठीक है इमेज है आपके पास ये भी ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब ये बताओ वी, जो आपकी वी है वो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस था, कहां फॉर्म हो रही है, पोल से उस साइड फॉर्म हो रही है या पोल से इस साइड फॉर्म हो रही है, पोल से इस साइड फॉर्म हो रही है। और मैंने आपको क्या बताया, जो पोल से इस साइड फॉर्म होता है उसका वैल्यू, उसका साइन कौन सा आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो आपका वी क्या आएगा आपके पास नेगेटिव, क्लियर होगा। कैसे समझेंगे, क्लियर हो गया कैसे समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया ऊपर की साइड और नीचे की साइड, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की वैल्यू, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की वैल्यू। अब ये देखो जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर की सारी वैल्यू कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है। तो मतलब एच क्या है आपके पास, वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव। क्लियर, क्लियर हो गया। एच डैश बताओ, एच डैश पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रही है, उल्टी बन रही है। तो एच डैश क्या है आपके पास, नेगेटिव। अब क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। बहुत आसान समझाया कि आप लोगों को साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। यू आपका कितना था, यू क्या आता था, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि यू होता था इस साइड बना, ठीक है। तो वैल्यू कौन सी आएगी आपके पास, नेगेटिव। वी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वी भी आपका कहां फॉर्म हो रहा है, पोल से इस साइड फॉर्म हो रहा है। आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो मतलब क्या ऊपर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। एच डैश जो कि आपका क्या इमेज फॉर्म हो रही है, वो उल्टी फॉर्म हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है। मैंने क्या बताया, जब नीचे फॉर्म होते हैं तो साइन कौन सा आता है, हमेशा नेगेटिव का साइन आता है। अब क्लियर हो गया कैसे साइन कन्वेंशन लेना, ठीक है, ठीक। ये उतार लो फटाफट, ये जरूर उतार लो कैसे कैसे हुआ आपका, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो वहां बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा इन चीजों का। उतारो से फटाफट, हो गया, ठीक। अब यहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मिरर फॉर्मूला। यहां हम लोग पढ़ेंगे क्या, मिरर फॉर्मूला, जो कि आपका यूज होगा, मिरर फॉर्मूला। क्लियर, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला नोट कर लेना, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, 1/f = 1/v + 1/u। एफ क्या है आपके पास, फोकल लेंथ, ठीक है, मैं लिख देता हूं, लिखा होगा मैंने यहां पर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। एफ क्या है, फोकल लेंथ। वी क्या है, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म बिटवीन द जो सॉरी वी क्या होता था आपका, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। यू क्या होता है आपका, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, पोल एंड ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। कौन सा फॉर्मूला है ये, मिरर फॉर्मूला, क्या, 1/f = 1/v + 1/u। क्लियर, जल्दी उतारो से फटाफट। हो गया, ठीक है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या आ जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए, तो हम पता करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है कॉनकेव मिरर का। बिल्कुल ध्यान से देखो, इसे उतार लो फटाफट, ये फॉर्मूला हो गया, इस उतार लो, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूले का इसका, ठीक। लीनियर मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन आती है वो बहुत पर आ चुकी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है लीनियर मैग्निफिकेशन का, आपको यही याद हो जाएगी डेफिनेशन। देखो क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करता हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, स्मॉल एम। ये क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बताएगा, देखो साइज ऑफ इमेज क्या है आपके पास, एच डैश, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, एच। इन दोनों का रेशियो ही आपको क्या बताता है, लीनियर मैग्निफिकेशन बताता है। क्या बताता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। और यहीं से आपको पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, अगर पॉजिटिव साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा तो आपकी इमेज क्या फॉर्म होगी, वो आपको डायरेक्टली लीनियर मैग्निफिकेशन बता देगा। कैसे बताएगा वो हम यहां देखते हैं, यहां देखते हैं। आपका लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो किससे डिनोट होता है आपके पास, एम से डिनोट होता है। ये आपका जो फॉर्मूला होता है इसका, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है आपके पास, साइज ऑफ इमेज एंड टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज और हाइट ऑफ इमेज टू द
साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चे? बहुत बार डेफिनेशन पूछी गई है, सीधा फॉर्मूला क्या आपके पास, एच डैश अपॉन एच, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा आपके पास, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर हो गया था? ठीक है, अब इसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं फॉर्मूले को, इसी को एक्सटेंड करके हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्या होगा, माइनस वी अपॉन यू, इसका डेरिवेशन भी होते हैं लेकिन वो बड़ी क्लासेस में होते हैं, कैसे आपकी वैल्यूज निकल के आती है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी छोटी क्लास है 10th क्लास, तो ये सारे टॉपिक्स 12th क्लास से पढ़े जाते हैं डिटेल में। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन यू, जहां साइन कौन सा आता है आपके पास, माइनस का वी अपॉन यू, माइनस का वी अपॉन यू, याद रखना माइनस का साइन आएगा, कौन सा साइन आया, माइनस का साइन आएगा। क्लियर हो गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा आपका, जो कि रे डायग्राम से भी यूज होगा और आपके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तब भी यूज होगा। इसे तौर फटाफट क्या होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन यू, माइनस का वी अपॉन यू। जल्दी तौर से फटाफट डेफिनेशन जरूर उतारना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जल्दी तौर। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की। ठीक है, तो यहीं से आपका डायरेक्ट पता लग सकता है कि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया कि मैग्निफिकेशन जो आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव आती है तो क्या होगा, अगर इक्वल टू सेम आती है तो क्या होगा, या फिर वन आती है तो क्या होगा। ठीक है, यही हमें पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से समझते रहना, यही से आपके वन मार्क्स या टू मार्क्स के क्वेश्चन भी इजिली सॉल्व हो जाएंगे। यहां देखो, यहां पर क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन में मैंने फॉर्मूला पढ़ा एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस का बी अपॉन यू, यही पढ़ा हमने फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां देखते हैं, जब भी लीनियर मैग्निफिकेशन की, छोटे छोटे पॉइंट लिखवाऊंगा, थ्योरेटिकल नहीं लिखवाऊंगा, मैथमेटिकली लिखवाऊंगा ताकि आपको याद रहे, लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर वैल्यू नेगेटिव आती है सॉल्व करने के बाद, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है बच्चे, नेगेटिव, तो इमेज जो फॉर्म होगी ना, इमेज फॉर्मेशन जो होगा, इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कौन सी इमेज बनेगी, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, या फिर अगर गिवन होती है क्वेश्चन में कि सपोज कर दो नेगेटिव वन दे रखी है उसने। ठीक है, तो ये समझ जाना कि लीनियर बैंक जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगी। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब यहां देखो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्या आती है, पॉजिटिव, तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी। क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी। क्लियर, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्लियर? ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं एच डैश, अगर साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, अगर जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है, चाहे आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, बियॉन्ड सी रखा हो, एट सी रखा हो, चाहे आपका बिटवीन एफ एंड सी रखा हो, तो कहीं भी रखा हो, अगर आपकी इमेज जो आई है वो बड़ी होती है किससे, एच से, एच क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश क्या आपके पास, साइज ऑफ इमेज। अगर ऐसा होता है तो बच्चे हमेशा याद रखना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन वन होगी। क्लियर, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन वन होगी, और जब ग्रेटर देन वन की बात आती है तो उसका मतलब क्या हो, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब यहां से देखो दो कॉन्सेप्ट निकल गए आपके, अगर आपका इमेज जो आ रही है वो ग्रेटर देन एच है, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो आपकी मैग्निफिकेशन क्या होगी,
ग्रेटर देन 1 होगी, और ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। और जब सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, हमने क्या पढ़ा ऊपर, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो आपकी इमेज कौन सी फॉर्म होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कौन सी फॉर्म होगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगी। सो इमेज फॉर्म जो होगी, यह मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां कौन सी होगी इमेज, इमेज फॉर्मेशन तो कौन सा होगा आपके पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, ज्यादा समझ आ गया, ठीक है। अगर h डैश स्मॉलर देन h होता है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर है साइज ऑफ इमेज से, तो मैग्निफिकेशन जो आएगी वैल्यू, लीनियर मैग्निफिकेशन, वो स्मॉलर देन क्या होगी, 1 होगी, स्मॉलर देन 1 होगी। दोबारा प्रैक्टिकली देके आऊंगा आपको, जो रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े थे आपने, ध्यान से सुनते रहना। अब ये छोटे छोटे पॉइंट है, दिमाग में फीड रख लेना, न्यूमेरिकल्स करने में, रीजनिंग क्वेश्चन करने में, और आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करने में बहुत काम आएंगे। याद रखो, अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन साइज ऑफ इमेज होता है, तो मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। जब स्मॉलर देन 1 की बात करते हैं, तो आपकी इमेज कौन सी फॉर्म होगी, स्मॉलर देन 1, हो सकता है 0 से पहले हो जाए, ठीक है। सारी वैल्यू 0 से पहले क्या होती है आपके पास, नेगेटिव वैल्यू होती है। जब नेगेटिव वैल्यू होंगी तो आपके पास इमेज कौन सी बनेगी, आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड, कौन सी बनेगी आपके पास, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें यह पता लग गया कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा या मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 होगा, तो क्या होगा। अब यहां देखो, जब एक चीज और मिल गई हमें, यहां पर एक चीज और मिल गई, क्या मिल गई, साइज ऑफ इमेज अगर बड़ा आता था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लिखते थे, एनलार्ज लिखते थे या फिर डिमिनिश लिखते थे, एनलार्ज लिखते थे, क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा था, तो हम लोग इसे क्या लिखते थे, एनलार्ज साइज इमेज, एनलार्ज साइज लिखते थे हम लोग। और जब छोटी आती थी, जब आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होता था और साइज ऑफ इमेज आपकी छोटी आती थी, हम क्या लिखते थे, डिमिनिश लिखते थे, लिखते थे, यही लिखते थे हम लोग, डिमिनिश। याद आया, बहुत सारी चीज यहीं से पता लग रही है, देखो छोटे छोटे पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर आपके पास दोबारा देखो, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो कौन सा, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन आता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से अगर मैग्निफिकेशन, तो क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, 1 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो हमेशा पॉजिटिव के लिए कौन सी आती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होती है इमेज। और अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन साइज ऑफ इमेज हुआ, सॉरी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ इमेज हुआ, तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, स्मॉलर देन 1 होगा, और वो 0 से नेगेटिव भी जा सकता है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास वैल्यू क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। क्लियर यहां तक, ठीक है। एक चीज और, अगर साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता, अगर साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता, तो आपके पास मैग्निफिकेशन जो होगा वो ग्रेटर इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। अगर आपका साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो आपका मैग्निफिकेशन 1 होता है। या हम कह सकते हैं, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज बन रही है ना, जिस इमेज का जो साइज आपका इमेज का है, उतना ही साइज आपका किसका है, ऑब्जेक्ट का। और भैया प्रैक्टिकली अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग, तो ऐसा कौन सा मिरर था जो हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, वहीं से लेके आ रहे दोबारा इसको टॉपिक को। अब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट रखा, पहले कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट रखा होता था आपका बियॉन्ड सी रखा हुआ था, तो आपकी इमेज कहां फॉर्म होती थी, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में होती थी। जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो आपकी इमेज कहां फॉर्म होती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेम साइज की फॉर्म होती थी,
याद आया, सेम साइज की, जो आपका सेम ऑब्जेक्ट रखा होता था और आपकी इमेज भी सेम साइज की फॉर्म होती थी, और आपकी कहां फॉर्म होती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, याद आया। तो h डैश इक्वल्स टू h का मतलब क्या है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट, सेम साइज की इमेज। तो ये किसकी बात कर रहा है, यहां से आप लोग पता लगा सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। क्लियर, क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है कि अगर आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर आपके पास 1 है, तो आप ये बताइए आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था, वो आपकी इमेज उल्टी बनती थी, सीधी बनती थी, उल्टी बनती थी मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, याद आया। तो इसका मतलब क्या है, आपकी इमेज जो बनेगी वो भी क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बच्चे, अब दोबारा आ जाओ, क्लियर, इसे उतारो फटाफट, फिर देखते हैं हम लोग दोबारा आ जाओ। पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही पॉइंट ऐसा था जब आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी, वो कौन सा पॉइंट था, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था कहां, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, कॉनकेव मिरर की बात चल रही है। आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपकी बनती थी, कब बनती थी कॉनकेव मिरर के केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा होता था, ठीक है। तो आपकी इमेज कौन सी बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी, ठीक है, पहला पॉइंट। और सारी की सारी इमेज जो बनती थी वो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, सारी इमेज बनती थी रियल एंड इन्वर्टेड कॉनकेव मिरर में, सिर्फ एक केस था ऐसा जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बनती थी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉनकेव मिरर जो है आपका, कॉनकेव मिरर जो काम करेगा वो किसका काम करेगा, उसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है आपकी और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर, समझ आ गया। पॉजिटिव कब होगी, जब आपका इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और वो कौन सा केस होता था, वो केस होता था आपका कब, ये वाला केस कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, क्लियर, प्रिंसिपल फोकस पे रखा होता था बिटवीन, ठीक है। तो यहां पर आपको पॉजिटिव कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट। कॉनकेव मिरर नेगेटिव कब आती थी, सारी आती थी रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके एक्सेप्ट दीज केसेस, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता था, एट सी रखा हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं बिटवीन सी एंड प्रिंसिपल फोकस रखा होता था, एट एफ रखा होता था, तो वो सारे केसेस आपके क्या आ जाते हैं, नेगेटिव वाले केस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर आपका मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्निफिकेशन जो आएगा कॉनकेव मिरर का, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से आपको पहचान में आ जाएगा। तो यहां पर अगर बात करता हूं मैं कॉनवेक्स मिरर की, तो बेटा कॉनवेक्स मिरर में सारे के सारे केस जितने भी हमने पढ़े थे, सब में आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई थी, हुई थी। तो इसका मतलब क्या है, क्या वहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई थी, नहीं हुई थी ना, वहां पर सारी इमेज जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई थी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कॉनवेक्स मिरर है, जो आपका कॉनवेक्स मिरर है, कॉनवेक्स मिरर, वो आपका उसका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आएगा, वर्चुअल इरेक्ट का पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा वैल्यू क्या आएगी उसकी, पॉजिटिव, समझ गए। कॉनवेक्स मिरर किसके तरह मैग्निफिकेशन होगा उसका, पॉजिटिव होगी वैल्यू मैग्निफिकेशन की, और कॉनकेव मिरर की आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि आपका एक ही इमेज ऐसी होती थी जो कि आपकी वर्चुअल इरेक्ट होती थी, वो क्या कौन सी होती थी, आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था फोकस एंड प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में रखा,
इसी वजह से कॉनकेव मिरर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होती है, वैल्यू उसकी नेगेटिव भी होती है। यहां से आपका मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है, तो आपकी मतलब क्या है, इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन क्या है, वर्चुअल मिरर है। स्मॉलर देन 1 आता है तो आपकी इमेज फॉर्मेशन क्या है, आपकी रियल है, इन्वर्टेड। इससे ताल्लुक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, जल्दी उतारो से फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में, अपने माइंड में फीड कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। ठीक है, आज के इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे जो आज पढ़ाए। साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, मैग्निफिकेशन पढ़ाया, वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, क्योंकि इस साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है। कोई भी प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके बच्चों तक पहुंचे ये सारे लेक्चर्स ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिजिक्स से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।